जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमृत भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस के 5 नए रूटों के बारे में बताने वाला हूं, जिस रूट पर भारतीय रेलवे अमृत भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस को लॉन्च करने वाली है। तो उन 5 रूटों के बारे में फुल डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अमृत भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस में कौन कौन सी सुविधाएं और कितने कोच इसमें होने वाले हैं, और साथ ही एक अमृत भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस में एक साथ कितने लोग ट्रेवल कर सकते हैं। कोच पोजीशन के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि एक साथ उसमें कितने पैसेंजर बैठकर यात्रा कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अमृत भारत सुपर फास्ट ट्रेन आपको कब तक कमर्शियल रूप में दौड़ती हुई नजर आ सकती है, मतलब कि कब तक भारतीय रेलवे इसको लॉन्च करने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेन यात्रा को फिर से परिभाषित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह 5 प्रमुख मार्गों पर एक सुपर फास्ट सेवा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की पूरी तैयारी हो। वंदे भारत और नमो भारत ट्रेन की सफलता के बाद यह नया जुड़वा अमृत भारत है। इसका उद्देश्य भीड़ भाड़ वाले इलाके में यात्रियों की सेवा करना है। यह एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है, जो कि अत्यधिक कुशल और किफायती ट्रेन इसे भारतीय रेलवे मान रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस एक विशेष पुश पुल लोकोमोटिव का उपयोग है, एक गतिशील प्रणाली को जो ट्रेनों के दोनों छोर पर 2 लोकोमोटिव लगाए जाते हैं। यह डिजाइन एकल ड्राइवर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह जो ट्रेन है इसमें 2 लोकोमोटिव लगा हुआ रहता है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, लेकिन इसे एक ही लोको पायलट हैंडल करता है। अमृत भारत एक्सप्रेस में अभी ट्रायल रन चल रहा है, जिसमें 22 कोच होंगे। इस कोच को विभिन्न प्रकार के यात्रियों की आवश्यकता के अनुरूप इसे डिजाइन किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई पैसेंजर को दिक्कत न हो। दिक्कत को देखते हुए और इस ट्रेन का डिजाइन भारतीय रेलवे ने किया है, क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ होने की ज्यादा संभावना है। दोस्तों इसमें सामान्य के अनारक्षित श्रेणियां 8 कोच इसमें लगाए गए हैं, जो कि आप अभी भी LHB कोच में देखते हैं कि और सभी कोच में भीड़ की मात्रा थोड़ा कम रहता है, लेकिन अनारक्षित यानी कि जनरल क्लास में भीड़ बहुत ज्यादा रहता है। और इसमें स्लीपर क्लास की अगर हम बात करें तो 12 कोच इसमें भारतीय रेलवे ने अटैच किए हैं, और 2 सामान यानी कि लगेज के लिए इसमें लगाए गए हैं। अगर कोच की सुविधाओं की बात करें कि किन किन सुविधाओं से लैस हमारे साधारण जो कि अमृत भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस भारतीय रेलवे बोल रही है, उसमें अगर हम सुविधाओं की बात करें कि कौन कौन सी सुविधाएं इसमें भारतीय रेलवे दे रही है, तो बोगियों के बीच जो ज्वाइंट होता है, मतलब कि कपलिंग होता है, उसको सील बंद तरीके से किया गया है। कोच में CCTV कैमरे उसमें लगाए गए हैं। बायो वैक्यूम शौचालय इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसर वाला पानी का नल भी इसमें लगाया गया है, जिसे सेंसर द्वारा वो कंट्रोल होता है। स्टेशन पर आप पहुंचने वाले हैं उसमें सूचना प्रणाली का भी व्यवस्था भारतीय रेलवे ने लगाई है, कि किस स्टेशन पर आप पहुंचने वाले हैं पहले ही आपको पता चल जाए। चार्जिंग उपकरणों के लिए इलेक्ट्रिक आउटलेट भी इसमें लगाए गए। रात में जलने के लिए इसमें बढ़िया क्वालिटी के LED बल्ब भी इसमें लगाए गए, और हर सीट के नीचे मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट भी भारतीय रेलवे इसमें लगाई है, जिससे किसी भी प्रकार की यात्रियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। 22 कोच वाली यह ट्रेन अपनी पूरी यात्रा के दौरान 1800 यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन की गई है। इसे यह सुनिश्चित होता है कि बड़ी संख्या में यात्री परिवहन के इस बेहतर और कुशल तरीके से लाभान्वित हो सके। भारतीय रेलवे आगामी अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ ट्रेन यात्रा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। पुश पुल दृष्टिकोण, अत्याधुनिक सुविधाएं और योजनाबद्ध परिचालन रणनीति के साथ यह सुपर फास्ट सेवा यात्रियों को देश के कुछ सबसे व्यस्त मार्गों पर एक निबंध और सुखद यात्रा प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने तैयार किया। आखिर में मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे इन 5 रूटों का जो जिक्र कर रही है, कौन से ऐसे रूट हैं जिस पर भारतीय रेलवे अमृत भारत सुपर फास्ट की लॉन्चिंग करने की प्लान बना रही है, जिसमें पहला रूट आता है पटना और दिल्ली के बीच। इस पर पुश पुल ट्रेन यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है। दूसरे नंबर पर आ रहा है हावड़ा और नई दिल्ली, इस रूट पर भी अमृत भारत एक्सप्रेस का लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगा।
तीसरा नंबर है हैदराबाद से नई दिल्ली और चौथा मुंबई से नई दिल्ली और पांचवा नंबर है एर्नाकुलम से गुवाहाटी। इन पांच रूटों पर भारतीय रेलवे अमृत भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस की लॉन्चिंग करने की प्लान कर रही है और आने वाले समय में इन पांच रूटों पर आपको वंदे साधारण की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी एक वंदे साधारण का ट्रायल चल रहा है जो ट्रायल लमसम पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरे रैक की इंतजार अभी भारतीय रेलवे कर रही है, इसलिए कि दो वंदे साधारण यानी कि अमृत भारत सुपर फास्ट की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे एक साथ करने की योजना बना रही है जो कि लमसम तैयार अमृत भारत की दूसरे रैक की अगर हम बात करें तो वो लमसम तैयार पोजीशन में ICF में खड़ी है, बस लोकोमोटिव की इंतजार है। लोकोमोटिव अभी नहीं निकल कर आई है और लोकोमोटिव आते ही ICF से वो दूसरा अमृत भारत सुपर फास्ट का रैक निकल जाएगा। सूत्रों की जानकारी से अगर माने तो दूसरा रैक जो है वो पटना के लिए अलॉट हो चुका है और वो पटना से दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे चला सकती है और इन दोनों ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको इस महीने के आखिरी तक देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके तर्ज पर मैंने आपको ये रिपोर्ट बताया है, इसमें कुछ चेंजेस भी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।